दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर जाति ब्याह योजना विच जिहड़े कपल्स ने जिहड़े अदर कास्ट विच ब्याह करवाउंदे ने उन्हां नूं कुछ काफ़ी अच्छे बेनीफिट दिते जा रहे हैं तो उसकी पूरी डिटेल विच आपां गल करांगे। तो इस वीडियो विच आपां गल करांगे इस स्कीम लई अप्लाई कौन कर सकदा है अते इस स्कीम नाल तुसीं किन्ना लाभ लै सकदे हो अते योग्यता की होनी चाहिए इस स्कीम नूं अप्लाई करन लई अते तुसीं इस स्कीम नूं किवें अप्लाई कर सकदे हो। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते अपने सीधा मोटिव पर आने दोस्तों जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब कर लो थोड़े सपोर्ट की बहुत जरूरत है। सब तो पहले आप योग्यता की गल कर लेने इस स्कीम अप्लाई करने की योग्यता होनी चाहिए है। सब तो पहला जो जोड़ा होंगे जो मैरिड जिन्होंने कोर्ट मैरिज की है उन्होंने एक एससी या एससी कैटेगरी तो होना चाहिए और एक जनरल कैटेगरी तो होना चाहिए। एग्जाम्पल तौर पर जो मैं किसी नाल अदर कास्ट मैं मैरिज की है तो जिम्मे मेरी कैटेगरी एससी या एसटी होनी चाहिए है तो मेरी घरवाली की जी कैटेगरी वो जनरल कास्ट तो होनी चाहिए है। तो नैक्सट गल करिए दोस्तों जो कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट होंगे जो आप कोर्ट मैरिज करा लें तो एक सर्टिफिकेट इशू होंगे वह अपने को चाहिए है। इस बाद परिवारिक जी सालाना आमदन है वह 5 साल तो घट होनी चाहिए है। तो नैक्सट गल करिए दोस्तों ब्याह तो बाद 1 साल के अंदर एक साल तो बाद स्कीम अप्लाई कर सकते हो। बट दोस्तों जे ब्याह तो बाद 3 साल बीत जाते हैं इस तो बाद 3 सालों तो बाद स्कीम दे योग्य नहीं रहोगे इसको अप्लाई कदे भी नहीं कर सकोगे। तो इस तो बाद महत्वपूर्ण दस्तावेज की गल करिए दोस्तों सब तो पहला कपल को राशन कार्ड होना चाहिए है। तो उस तो बाद आमदन का सर्टिफिकेट दोहां का आमदन का सर्टिफिकेट होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट तो ब्याह सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए है लाजमी है। और जाति सर्टिफिकेट दोहां का लड़की का भी तो लड़के का भी इन्हां कोल होना चाहिए है। तो आधार कार्ड या वोटर कार्ड एज ए आई डी प्रूफ होना चाहिए है। तो 1 साल तो तुम कट्ठे रह रहे हो इसका सर्टिफिकेट तुहाडे महल का एम सी या गजटड ऑफिसर बना के तुहानू दे सकदा है तो वह भी अपने को होना चाहिए है। तो नैक्सट गल करिए इस स्कीम तो आप किन्ने पैसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों यह जी स्कीम है यह अलग अलग स्टेट अनुसार अलग अलग इन्हों की राशि होंगी है रकम की। तो आप जो सेंटर गोरमेंट वालों गल करिए 2.5 लाख रुपये सेंटर गोरमेंट वालों प्रधानमंत्री वालों दिते जाते हैं। बट स्टेट की जी बेनीफिट्स ने स्टेट के बेनीफिट्स ने यह डिपेंड करता है कि लेटेस्ट स्कीम की चल रही है दोस्तों हर साल स्टेट पैसे वधा भी दिता तो घटा भी दिता ज कुछ होर बेनीफिट एग्जाम्पल के तौर पर कोई मकान बेनीफिट के रूप में दे दिता स्टेट गोरमेंट या कुछ होर दे दिता तो करके चेंज होती रहती है। यह स्कीम तो निर्धारित होंगी है कि इस टाइम कि स्कीम चल रही है जो तुम अपने DM ऑफिस भी जाके पता कर सकते हो। दोस्तों हूँ आप गल करते हैं कि यह अप्लाई किमें करना है जो तुम ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो सब तो पहले आपको ambedkarfoundation.nic.in पर जाके अपने जो डॉक्यूमेंट ने वो अपलोड करना पवेगा। जो तुम ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो DM ऑफिस जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट कलैक्ट करके एक फाइल बना के DM ऑफिस में जमा करवा के तुम इस स्कीम लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इन्नी जी वीडियो से जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो थोड़े सपोर्ट की बहुत जरूरत है।